यूक्रेन जंग में अमेरिका और नाटो देश रूस को चौतरफा घेरने में लगे हैं। सभी रूस को अलग थलग करना चाहते हैं, मगर रूस भी जिद्दी है। पुतिन हार मानने को तैयार ही नहीं। रूस ने तो अब अमेरिका को करारा जवाब देने का प्लान बना लिया है। पुतिन अब दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना रहे हैं। जी हाँ, खोज खोज कर अमेरिका के दुश्मनों से पुतिन अपनी यारी बढ़ा रहे हैं। चीन से लेकर ईरान और उत्तर कोरिया से लेकर वियतनाम, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनका अमेरिका से 36 का आंकड़ा है। पुतिन अब इन्हीं देशों से अपनी यारी बढ़ा रहे हैं। पहले चीन की यात्रा, फिर 24 साल बाद उत्तर कोरिया का दौरा और वियतनाम जाना। पुतिन अमेरिका समेत पश्चिमी ताकतों को दिखाना चाहते हैं कि जंग की घड़ी में रूस अकेला नहीं है, दुनिया के कई देश रूस के भी साथ हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका के दुश्मनों संग यारी पुतिन की मजबूरी है या कोई बड़ा मकसद। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उत्तर कोरिया के पास बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है, जो खासकर लार्ज स्केल प्रोडक्शन में माहिर है। रूस जब यूक्रेन के साथ जंग में गया, तब उसे अंदाजा नहीं था कि लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, तो रूस को एक ऐसे पार्टनर की जरूरत महसूस हुई जो उसके हथियारों की कमी को पूरा कर सके। यही वजह है कि इस रेस में रूस को नॉर्थ कोरिया सबसे आगे नजर आया। जानकारों का मानना है कि रूस को सिर्फ नॉर्थ कोरिया से हथियार ही नहीं चाहिए, बल्कि किम जोंग से दोस्ती बढ़ाकर पुतिन दिखाना चाहते हैं कि रूस अपने मुताबिक वर्ल्ड ऑर्डर तय करने के लिए स्वतंत्र है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने रूस और नॉर्थ कोरिया पर हथियार सौदे पर सैंक्शन लगा रखा है। ऐसे में 2023 में पहले रूसी डिफेंस मिनिस्टर का उत्तर कोरिया जाना और अब पुतिन ने नॉर्थ कोरिया जाकर एक तरीके से इस सैंक्शन को ठेंगा दिखा दिया। नॉर्थ कोरिया भी रूस से यूं ही दोस्ती नहीं बढ़ा रहा। किम जोंग उन पुतिन से मुख्य तौर पर दो चीजें चाहते हैं। पहला है खाद्यान्न, क्योंकि उत्तर कोरिया खाने पीने की चीजों की कमी से जूझ रहा है, वहां अनाज की भारी किल्लत है। ऐसे में रूस बड़ा मददगार साबित हो सकता है। दूसरा है रशियन टेक्नोलॉजी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मिसाइल और हथियारों की सनक किसी से छिपी नहीं है। किम को उम्मीद है कि रूस उन्हें सैटेलाइट से लेकर न्यूक्लियर पावर सबमरीन जैसी टेक्नोलॉजी दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के तानाशाह ने नए डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील के मुताबिक अब अगर किसी भी देश ने उत्तर कोरिया या फिर रूस पर हमला किया, तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने नए डिफेंस डील को अलायंस नाम दिया है। 9 महीने में दूसरी बार पुतिन और किम जोंग की मुलाकात ने दुनिया की तो टेंशन बढ़ा ही रखी है। दोनों नेता की मुलाकात से टेंशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि दोनों ही पश्चिम विरोधी हैं और एक तरह से इस वक्त अलग थलग हैं। इस मेगा मुलाकात पर कई देशों की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच गहरे होते संबंधों को लेकर चिंता जताई। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि रूस और उत्तर कोरिया के गहरे होते संबंध का यूक्रेन पर बड़ा असर पड़ सकता है। रूस और उत्तर कोरिया दोनों ही हथियारों की डील के आरोपों को खारिज करते हैं, लेकिन अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों का दावा है कि उत्तर कोरिया से रूस को हथियार मिल रहे हैं। अब टेंशन की बात यह है कि अगर उत्तर कोरिया को रूस से टेक्नोलॉजी मिलती है, तो आने वाले वक्त में ये दुनिया के सामने क्या बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।